चलिए अब बात दिल्ली में और अब बात लुधियाना में हुए बवाल की कर लेते हैं, जहां पर एक युवक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को यहां लाठीचार्ज करना पड़ा, और जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो ना बुजुर्गों का लिहाज किया और ना ही महिलाओं का। मौत पर लोगों का हंगामा, सड़कों पर परिजनों ने किया प्रदर्शन। पंजाब पुलिस ने किया लाठीचार्ज, महिलाओं पर जोर आजमाइश करती पंजाब की पुलिस। किसी को दौड़ाकर पीटा तो किसी को सड़क पर घसीट घसीट के मारा। हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के लुधियाना की, जहां दो दिन पहले सड़क हादसे में घायल हुए नगर निगम कर्मचारी की मौत हो गई थी, जिससे गुस्साए मृतक के परिजनों ने फिरोजपुर रोड पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। मृतक के परिवार वाले आरोपी कार चालक को गिरफ्तार करने और मुआवजे की मांग कर रहे थे। सड़क पर मृतक का शव रख दिया गया, वहीं महिलाएं रास्ते में बैठ गई। पुलिस के खिलाफ लोगों ने रास्ता बंद कर नारेबाजी शुरू की। देखते ही देखते सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। न महिलाओं का ख्याल किया और न ही लोगों का, बस बेरहमी के साथ लोगों को पीटती रही। चुंकी रोड पे इसको चले गए, पुलिस मुलाजिम की गाड़ी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी, कोई सुनवाई नहीं हुई है। तीन दिन तरीके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बच्चे के लिए तो कुछ देखना चाहिए भाई साहब। कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। अब आज क्या हुआ? जब कुछ नहीं, मार रहे हैं सब लोग, लाठीचार्ज हो रही है, लाठीचार्ज। पुलिस का कहना है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को काफी देर तक समझाया, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। इसने अपना कानून मुताबिक कार्रवाई कर चुके हैं, केस दर्ज कर चुके हैं, गड्डी फड़ चुके हैं, दोषी नूं असीं फड़ लांगे, जल्दी फड़ लांगे। जिहड़ा लाठीचार्ज कीता उहदे की जरूरत? कोई लाठीचार्ज नहीं कीता, लेकिन सिर्फ इन्हां नूं ट्रैफिक जिहड़ा इन्हां ने जाम कीता उस तों इन्हां नूं पासे कीता। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में रोष है, वहीं जिस तरह से बिना लेडी पुलिस के महिलाओं पर एक्शन लिया गया वो भी सवालों के घेरे में है। मुनीश अत्रे, लुधियाना आज तक।